देश में ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ठगा नहीं हो। हम किसान से शुरुआत करें, हम युवाओं की बेरोजगारी के सवाल से शुरुआत करें, या हम छोटे व्यापारियों से शुरुआत करें, इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात अभी हमारे सहयोगी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, तो हम तो 10 साल में यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो एक दो अमीर आदमी को बेचते हुए मोदी साहब को देख रहे। किसानों को रास्ते पे आना पड़ा, एक साल लगभग आंदोलन चलाना पड़ा, हमारी जो रेसलर महिलाएं थी उनको रास्ते पे आना पड़ा। इस देश में पिछले 75 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो रेट है वो इसी सरकार के काल में हमको देखने को मिला। भाई इनकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात भी करती है, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाने की बात भी करती है। ये सब हम व्हाइट पेपर पे अब दिखाएंगे, ऐसा निर्मला सीतारामन मैडम ने कहा, तो हम कहते हैं कि व्हाइट पेपर जरूर निकालिए, निकालना ही चाहिए। एक बार इस देश को पता चलना चाहिए कि मोदी साहब ने जो जीएसटी लगाया था, गलत जीएसटी लगाया था, उसका क्या खामियाजा यहाँ की इकोनॉमी को भुगतना पड़ा।